नमस्कार दर्शकों, दनीश पत के साथ मैं नरेंद्र बसंत। जब दलित शोषित और पिछड़ों पर जब अत्याचार हो रहा था तो तब एक लड़का आता है जिसका नाम चंद्रशेखर रावण है। वो जो उनकी आवाज़ उठाता है और धीरे धीरे अपना चेहरा बनाने लगता है और देखते देखते ये जो है बहुत बड़ा लीडर बन जाता है और लोग उसको जानने भी लग जाते हैं। अब भीम आर्मी जब वो बनाया बंदा, उसके बाद सीधे आज़ाद समाज पार्टी बनी। और जब आज़ाद समाज पार्टी बनी तो मैं उनको पटना में गया और उनका इंटरव्यू भी लिया हूँ कि आप भीम आर्मी से क्यों आज़ाद समाज पार्टी बना दिए। बाकी जो जवाब दिए हैं आप हमारे चैनल पर सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो कि चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम हीरालाल राम है। अब बोलिए चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण के बारे में ही नहीं, उनके जैसे हजारों लीडर पैदा हो करके बस एक ही नारा लगाते हैं कि हम सरकार बना लें, प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक, लेकिन तो मायावती भी कर रही हैं, सुनिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। ठीक, बाबा साहेब ने प्रथम लाइन क्या लिखा है उसका मतलब क्या होगा। प्रथम लाइन है शिक्षित बनो, कहना है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ठीक, उसका मतलब ये लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, लेकिन वो तो लॉयर हैं, लॉयर हैं, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। तो कोई लॉयर बनता है तो ऐसे कैसे बन जाएगा? खेती गृहस्थी करते ना, हाँ। तो हम ये शब्द नहीं बोलते, उनको ये मालूम नहीं है। बोलिए, हम परिभाषा बताते हैं। हाँ, बिल्कुल बताइए। शिक्षित बनो, शिक्षित तो बन चुके हैं, लेकिन संगठित रहो, बाबा साहेब बोले हैं। लेकिन संगठित रहने के बजाय उस संगठन बनाने लगे हजारों उनके जैसे विद्वान लोग, पार्टी बना बना करके अपने पैर और अपने समाज के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर लटक जा रहे हैं तो फिर संघर्ष क्या करेंगे, समझिए। दूसरा चीज है, संविधान में प्रथम लाइन लिखा हुआ है कि सरकार किसी को बनता है तो 5 वर्ष का अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। तो क्या अपने दुश्मन को हम 35 साल सरकार बना दिया तो क्या अपने घर परिवार के बहन बेटी को हम 5 वर्ष नहीं संतोष कर सकते हैं? तो चंद्रशेखर रावण जो है कह रहा है कि अगर मायावती हमको बुलाती हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, दूर से कह दे, हम भी बोलते हैं कि मायावती हमको बुलाएगी तो हम चल जाएंगे। तो दूर से कहने से होगा? मायावती काहे नहीं स्वीकार कर रही, कैसे स्वीकार करेगी? उनका योग्यता और क्षमता देखेगी तबे ना। दूसरा नंबर, अगर मुद्दा लेके जाएंगे तो कैसे देगी? कहेंगे कि ना, हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आपका दाहिना हाथ हम है, वैसे करके दिखाइए। हम कहते हैं कि रोड पर मत जाइए, हमारे 10 गो समाज मर्डर हो जाएगा। हम बात उनकी रोड पर जाकर के मर्डर करवा देते हैं तो वैसे लायक है या नालायक लोगों की जरूरत है? नालायक की संज्ञा दे रहे हैं आप चंद्रशेखर रावण? एकदम देंगे बाबा साहब। लेकिन लेकिन बाबा साहब जब आंदोलन नहीं चाहते थे जो तालाब में पानी पीने के लिए, लेकिन लोगों के उतावल होकर के उनको मजबूर होकर के जाना पड़ा। वो जानते थे कि जाएंगे तो हमारे लोग जो है कि कत्ल किया जाएगा। आ हुआ।